सबसे पहले दोस्तों आप साइट में यहाँ पर पेमेंट प्रूफ देख सकते हैं। अभी के टाइम में मेरे वॉलेट में यहाँ पर 45,000 रुपये प्लस पड़े हैं और 10,000 मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर ली है अपनी UPI ID में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगा कर रखा है और ये पूरी तरह से रियल है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे भी दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है आप My11 Circle ऐप को यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे टीम बना सकते हैं प्रोफेशनल, जिससे आपके रैंक 1 पे आने के चांसेस बढ़ जाते हो, और जो भी आप पैसे कमाएंगे वो आप कैसे विड्रॉल करेंगे, और मैच ज्वाइन करने के बाद जब वो मैच कंप्लीट हो जाएगा तो उसका रिजल्ट किस तरह से चेक करेंगे, और My11 Circle में आप सब्स्टिट्यूट फीचर का किस तरह से यूज करेंगे, ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखें। तो अब चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो अब बात कर लेते हैं My11 Circle ऐप को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम टीम बनाएंगे और कैसे पैसे कमाएंगे। उसके लिए पहले आपको ये ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। ऐप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको इस ऐप में साइन अप करना है अपने मोबाइल नंबर से। साइन अप करने के बाद आपके सामने जो इसका मेन इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का शो हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊपर आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे क्रिकेट आता है, फुटबॉल, कबड्डी एंड बास्केटबॉल, ये कुछ ऑप्शन आपके सामने है। जैसे कि अगर हम सिलेक्ट करते हैं क्रिकेट को, तो यहाँ पर हमारे सामने क्रिकेट से रिलेटेड अपकमिंग मैच शो हो जाएंगे जो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाले हैं। टाइम भी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाता है। अगर आप क्लिक करते हैं लाइव पे तो लाइव मैच आप देख सकते हैं, अगर आप क्लिक करते हैं कंप्लीट पे तो आप कंप्लीट मैच यहाँ पर देख सकते हैं, उसका रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप क्लिक करते हैं फुटबॉल पे तो आपके सामने फुटबॉल से रिलेटेड अपकमिंग मैच शो हो जाएंगे। कबड्डी पे क्लिक करेंगे तो कबड्डी से रिलेटेड अपकमिंग मैच शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन्हें भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप किसी मैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम किसी भी मैच को ज्वाइन कैसे करेंगे, टीम कैसे बनाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, अब इस बारे में बात करते हैं। तो हम टीम बनाने के लिए सिलेक्ट करते हैं क्रिकेट को। क्रिकेट सेलेक्ट करने के बाद अपकमिंग में हमारे सामने काफ़ी सारे मैच यहाँ पर शो हो गए हैं, तो इनमें से हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है ये है यहाँ पर 49 रुपये की, और इसका प्राइस पूल है यहाँ पर 6,51,00,000 रुपये का, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी रैंक की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस मैच में टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद आपकी टीम बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करती है और आपकी टीम नंबर 1 पे आ जाती है तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं 1 करोड़ रुपए, और अगर आप नंबर 2 पे आ जाते हैं तो आपको मिलने वाले हैं 4 लाख और प्लस ग्रैंड SUV आपको एक कार देखने को मिलने वाली है। अगर आप आ जाते हैं नंबर 3 पे तो आपको 1 लाख और प्लस एक प्रीमियम बाइक देखने को मिलने वाली है। अगर आप 4 पे आते हैं तो आपको 20,000 और प्लस iPhone, और अगर आप उससे नीचे आते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पर 50 रैंक पे भी आ जाते हैं तो आपको 700 रुपये और प्लस iPhone यहाँ पर मिल जाएगा, और अगर आप सबसे लास्ट रैंक पे आते हैं जैसे कि 1,77,973 रैंक पे भी अगर आप आ जाते हैं तो आपको आपके 49 रुपये वापस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये है दोस्तों इसकी रैंकिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस तरह से आप यहाँ पर पैसे कमाते हैं। अब बात कर लेते हैं टीम कैसे बनाएंगे और इस मैच को अगर हमें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कैसे करेंगे। उसके लिए आपको ऊपर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन, ज्वाइन पे आप क्लिक कर देंगे। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इसका इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का यहाँ पर शो हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी टीम बनानी है, और टीम बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपने 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटल प्लेयर है 22, यानी 22 प्लेयर यहाँ पर टोटल है, और उन 22 प्लेयर में से आपको यहाँ पर अपने 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 11 प्लेयर सामने वाली टीम में और 11 प्लेयर आपकी टीम में। आप चाहे तो 5 प्लेयर अपनी टीम में सेलेक्ट करें और बाकी के जो बचे हैं आपके 6 प्लेयर वो सामने वाली टीम में सेलेक्ट करें। इस तरह से भी आप टीम यहां पर क्रिएट अपनी कर सकते हैं। तो टीम बनाने के लिए सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आता है विकेट कीपर का, तो यहां पर हमें अपने विकेट कीपर सेलेक्ट करने हैं। तो यहां पर अभी के टाइम में आपको 2 विकेट कीपर सेलेक्ट करने हैं। तो विकेट कीपर सेलेक्ट करने से पहले आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी है, जैसे कि आप इनकी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और जो इन्होंने रिसेंट मैच खेले हैं वो आप देख सकते हैं, इनके पॉइंट इन्होंने कितने कितने बनाए थे वो सब आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर आप वी मोर पर क्लिक कर यहाँ पर आप पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस तरह से भी दोस्तों आप प्लेयर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी के टाइम में हम इस पर क्लिक करते हैं तो इनके जो रिसेंट मैच है उसमें जो इनका पॉइंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें इन्हें सेलेक्ट कर लेना है विकेट कीपर, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पॉइंट, आप इनके पॉइंट के हिसाब से भी इन्हें सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने 2
विकेट कीपर आपने सिलेक्ट कर लिए हैं और आगे आपके सामने ऑप्शन है बैटर्स का, तो बैटर्स पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको कम से कम 3 बैटर सिलेक्ट करने चाहिए या फिर ऐसे ज़्यादा भी आप सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो बैटर्स अपने सिलेक्ट करने से पहले आपको इन प्लेयर के बारे में रिसर्च करनी है, जैसे कि इस तरह से प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो इनके रिसेंट मैच है वो शो हो जाएंगे, इन्होंने कितने पॉइंट बनाए हैं वो सब यहाँ पर शो हो जाते हैं। इस तरह से आप इनके ऊपर रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं इन प्लेयर के बारे में, या फिर आपके सामने और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से टीम बनाते हैं दोस्तों, आपके जो चांस है वो नंबर वन पाने के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी के टाइम में मैंने 3 प्लेयर सिलेक्ट कर ली हैं। आगे हमारे सामने ऑप्शन है ऑलराउंडर का, तो ऑलराउंडर में आपको कम से कम 2 या फिर इससे ज़्यादा आप 3 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 3 अपने सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे है बॉलर्स, बॉलर्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको बॉलर्स अपने सिलेक्ट करने हैं 3, या फिर आप चाहे तो ऑलराउंडर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं और बॉलर 4 सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। बाकी आप अगर टीम यहाँ पर बना रहे हैं तो आप टीम बनाते समय जो प्लेयर अपने सिलेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में पूरी रिसर्च आपको करनी है, चाहे आपको 20 मिनट लग जाए चाहे आपको 1 घंटा लग जाए। प्लेयर सेलेक्ट करते समय आप अपनी एक बार रिसर्च कर लें, क्योंकि अगर आपने प्लेयर अपने सही सेलेक्ट करे हैं और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं नंबर 1 पे आने के। तो आप प्लेयर सेलेक्ट करते समय अपनी पूरी रिसर्च एक बार जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टीम में अपने 11 प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने ऑप्शन आता है कैप्टन का और वाइस कैप्टन का, तो यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने में बेनिफिट हमें क्या देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना कैप्टन यहाँ पर सही सिलेक्ट करते हैं, वो सही परफॉर्मेंस करता है, तो जो भी वो पॉइंट बनाएगा उसके आपको डबल पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके कैप्टन ने 150 पॉइंट बनाए हैं तो आपको यहाँ पर 300 पॉइंट मिलने वाले हैं। और अगर आप अपना वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट करते हैं और वो सही परफॉर्मेंस करता है, जैसे कि अगर वो 100 पॉइंट बनाता है तो आपको उसके 1.5 गुना पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। ये बेनिफिट आपको मिलता है कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करने का। तो मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन अपना सिलेक्ट कर लिया है। अब आगे आपके सामने ऑप्शन है सिलेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपने 4 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं बैकअप में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अभी जो आपने टीम अपनी क्रिएट करी है उस टीम में जो प्लेयर आपने ऐड करे हैं, अगर वे प्लेयर मैच स्टार्ट होने पर नहीं खेलते हैं तो फिर जो आपने बैकअप में प्लेयर ऐड करे हैं वो उनकी जगह खेलने वाले हैं। ये बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फीचर का, तो काफ़ी अच्छा फीचर आपके लिए रहने वाला है, तो आप इस फीचर को यूज़ यहाँ पर जरूर करें। तो हमने 4 प्लेयर अपने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम क्लिक करेंगे सेव टीम पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने ऑप्शन आएगा ज्वाइन कॉन्टेस्ट का, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और इसे यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप पैसे कमाते हैं, इस तरह से टीम बनाते हैं, इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट फीचर का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको जानकारी यहाँ पर दी है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर अपनी टीम में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए इस तरह से आप एक बार क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा एडिट टीम्स का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर दोस्तों आप अपनी टीम में से किसी भी प्लेयर को चेंज कर सकते हैं, वाइस कैप्टन को चेंज कर सकते हैं और कैप्टन को भी चेंज कर सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो मैच स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैच स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर ये मैच यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो हम किस तरह से देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक करना होता है कंप्लीट पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके मैच शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 242 रुपये यहाँ पर अर्न करे थे, तो ये हमारे सामने यहाँ पर शो हो गए हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर एक मैच ही ज्वाइन करा था, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप चाहे तो अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं मैच कंप्लीट होने के बाद। अब बात करते हैं अगर पैसे अपने पास से ऐड करने हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए आप क्लिक करेंगे वॉलेट वाला आइकन पे, ऊपर ऑप्शन है ऐड कैश का, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे पैसे ऐड करने के, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पैसे अपने ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ से बैक करते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉल की, तो जो भी पैसे आप कमाते हैं वो आप यहाँ से UPI में और बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करने के लिए आप विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपनी UPI ID सेट कर लेंगे, या फिर आप चाहे तो बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपना अमाउंट एंटर करेंगे और पैसे यहाँ से विड्रॉल कर लेंगे, जो पैसा आप यहाँ से विड्रॉल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम 2500 विड्रॉ करना चाहते हैं तो 2500 एंटर करेंगे और विड्रॉ पे क्लिक करके इन्हें विड्रॉल कर लेंगे। और हिस्ट्री अगर आपको देखें तो हिस्ट्री पर क्लिक कर आप हिस्ट्री देख सकते हैं, मैंने यहाँ से 10,000 रुपये ट्रांसफर करे हैं और वो मुझे यहाँ पर रिसीव हो गए हैं। इस तरह से मैंने यहाँ से और भी पैसे विड्रॉल करे हैं। तो अब मैंने आपको इस वीडियो में My11 सर्कल के बारे में सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब
करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।